मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब भाजपा के युवा नेता अभिनय चौधरी द्वारा कैलसा में कराई गई किसान जनसभा की, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों के हो रहे शोषण और बदहाली के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए जहां प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खां को जिम्मेदार ठहराया, वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह देश के विकास पुरुष बनकर कार्य कर रहे हैं, जिससे देश को हर स्तर पर मजबूती मिल रही है। कैलसा में युवा नेता अभिनय चौधरी द्वारा कराई गई किसान जनसभा में भारी भरकम भीड़ देखकर भाजपा नेता गदगद हो गए। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री युवा भाजपा नेता अभिनय चौधरी का कद भी बढ़ा गए। किसान जनसभा में संजीव बालियान जिंदाबाद, अभिनय चौधरी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं से किसानों को अवगत भी कराया। कैलसा पहुंचने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सहित भाजपा नेताओं का फूल मालाएं पहनाकर भाजपा युवा नेता अभिनय चौधरी द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं अभिनय चौधरी ने भाजपा को मजबूत करने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही। मौके पर सांसद कंवर सिंह तंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश त्यागी, श्रीमती कविता चौधरी, अतुल कुमार जैन सहित भारी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद थे। युवा भाजपा नेता अभिनय चौधरी ने सभी का आभार भी जताया। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम उस महान आत्मा जिसने हिंदुस्तान में किसान को पहचान दी, जिसने गांव के गरीब के बेटे को, जो गांव में रहता है, जो खेत में काम करता है, उस खेत की गांव की मिट्टी को विधानसभा और संसद के कार्यों में पहुंचाने का से अगर किसी को जाता है तो इस देश में स्वर्ग के चोले चले भी हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू के सामने हिम्मत नहीं होती थी किसी की बोलने की। जब कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में सहकारिता के लिए करना चाहती थी तो नागपुर के एलिवेशन में एक किसान का बेटा और शेर जिसने खड़ा होकर जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया था और हिंदुस्तान में सहकार के लिए लागू नहीं होगी, इसका श्रेय स्वर्ग के चोले चले भी हो जाता है। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। दूसरे हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिंदुस्तान में बनी तो इस देश को विकास क्या होता है, विकास के रास्ते पर चलने का तरीका क्या होता है, वो तरीका अगर किसी ने अपनाया तो आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका 25 दिसंबर को जन्मदिन है और 23 दिसंबर को जन्मदिन है। आज की इस किसान जनसभा में कैलसा बॉर्डर पर जो आयोजित की गई है, इसमें सभी मेरे किसान साथी, सभी नौजवान साथी और क्षेत्र के सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लोग आज इस जनसभा में आए हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे बुलावे पर वो लोग आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी। वे किसानों के उत्थान के लिए क्या कार्य करेंगे, इस बारे में हमने उनसे बात की, आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। संजीव बालियान जी, बताइए कि किसान दिन प्रतिदिन गरीबी की हालत से पीड़ित है और आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? इसकी वजह यही है कि देश में कभी किसानों के हित में नीतियां नहीं बनाई गई। जी देखिए, नीतियां बनाना केंद्र का काम है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करती है प्रदेश सरकारें। जी उत्तर प्रदेश का तो दुर्भाग्य सबसे बड़ा है कि पिछले 15 सालों से यहाँ इस तरह की सरकारें बनी कि जो अपनी तिजोरियाँ भरने में लग रही है, किसान या आम जनता, जो उत्तर प्रदेश की बिजली की सड़कों की हालत है आपको इस देश में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। बिहार भी हमसे बहुत आगे जा चुका है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदेश सरकार उन नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पाई। और देखिए, जब तक प्रदेश सरकारें काम नहीं करती देश खुशहाल नहीं हो सकता। प्रदेश को प्रदेश सरकार ही चला सकती है, केंद्र सरकार नहीं चला सकती। तो ऐसी सरकार जाए, अच्छी सरकार आए, उसके बाद ही कुछ प्रदेश में हो सकता है, मेरा मानना है। 2017 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां सतर्क हो चुकी हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रही? देखिए, स्ट्रैटेजी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ सदस्य बनाने जा रही है। आजकल हमारा चल रहा है लगातार सदस्य बनाने का अभियान और हम एक तरह से चुनाव की तैयारी जनता के बीच में है, लगातार जनता के बीच में जा चुके हैं। हमारी तैयारी एक तरह से आप कह सकते हैं विधानसभा चुनाव की शुरू है। आप सेंट्रल में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और कृषि विभाग आपको मिला हुआ है, किसानों का गन्ना भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? हमने 4-5 नीतियां बनाई हैं, उसके बाद चाहे इथेनॉल में मिक्सिंग हो 10% की, 5 से बढ़ा के 3377 रुपये टन एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है गन्ने के ऊपर, इम्पोर्ट करना बंद कर दिया। ये पिछली सरकार के
गलत काम है जिनसे गन्ने चीनी का इम्पोर्ट हुआ विदेश से और जिससे चीनी के भाव बहुत ज़्यादा गिर गए।